ओल्ड पेंशन के ऊपर सरकार काम नहीं कर रही है। हमको भीख नहीं मांगते, हमारा हक मांगते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जो है ना वो सिर्फ आश्वासन दे रही, काम नहीं कर पा रही। आप MLA और MP का पेंशन अपने आप बढ़ा लेते हैं, तीन तीन पेंशन लेते हैं और फैसिलिटी मिलती है और इतना पेंशन मिलता है तो उसका कम कर दो ना भैया, उसको एक ही पेंशन दो, बाकी को दो ना। जब 6 साल में नहीं हुआ तो आप क्या काम करेगी? नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है रामलीला मैदान में और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एकदम हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। किस मांग को लेकर आए हैं वही इनसे हम पूछेंगे। इससे पहले भी OPS को लेकर यहाँ पे लोग आए हुए थे, वहाँ लाखों की तादाद में लोग आए थे, प्रदर्शन हुआ था। एक बार फिर से यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, किस चीज़ को लेकर हो रहा है, इन्हीं से बात करते हैं। किस चीज़ को लेकर आप यहाँ आए हैं? देखिए जी, हमारी ये प्राइवेट सेक्टर की पेंशन का मुद्दा है। ये EPS पेंशन बोलते हैं जिसको, EPS पेंशन बोलते हैं। ये एक BPC नसीमा राव जी थे तो मिली जुली सरकार थी उस टाइम में, तो वो गरीब जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। आज के युवा आप ही नहीं जानते होंगे क्या मुद्दा है। तो सदन में वो बैठे तो वो प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ देना चाहते थे, लेकिन मिली जुली सरकार थी, प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेशल उनको कुछ करने नहीं दिया गया। तो वो पेंशन का मुद्दा लेके आए और BP सिंह जी ने ये लागू किया, ठीक है ना, इसको लागू किया। लेकिन सरकारें बहुत आईं बहुत गईं, ये कोर्ट ने भी कहा है इन लोगों को पेंशन दो, किंतु ओल्ड पेंशन के ऊपर सरकार काम नहीं कर रही है। कहीं हेमा मालिनी जी को दिखाया जा रहा है, कहीं कोई देख रहा है, कभी राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं, सबको दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर को हमारा काम कर रहे हैं, किंतु हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। मतलब सरकार काम तो कर रही है लेकिन क्या नहीं कर रही है, वो दिखा रहे हैं कि हमारे साथ हैं लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा है। मतलब वो दिखा रहे हैं आपके साथ काम कर रहे हैं पर वो काम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं। मतलब ये 6 साल से संघर्ष चल रहा है, 6 साल से संघर्ष चल रहा है, 8 साल हो रहे हैं। और ये महाराष्ट्र के लोग 6 साल में धरने पे बैठे हो, धरने पे बैठे हो। नहीं, मैं यहाँ दिल्ली का हूँ। तो महाराष्ट्र के लोग ये 6 साल से दिल्ली में, नहीं 6 साल धरने पे, 6 साल से 6 साल से धरने बैठे हुए हैं, लेकिन ये 8 साल का से संघर्ष चल रहा है। आप ये कहने राय दो आपको, हाँ बोली और बोली। तो ये 6 साल से संघर्ष चल रहा है, सरकार ने अभी तक कुछ नहीं करा, 10 साल से तो भाजपा सरकार ही है सत्ता में। देखिए, मैं तो आपके ऑन कैमरा बोल सकता हूँ, ये सरकार पेंशन का नहीं करेगी, हम संघर्ष कर रहे हैं, मैं ऑन कैमरा बोल सकता हूँ। ये सरकार काम नहीं करेगी, मैं बोल रहा हूँ ये नहीं करेगी काम, सरकार नहीं करेगी। जब छह साल में नहीं हुआ तो आप क्या काम करेगी? और ये जो महाराष्ट्र के लोग आए हुए ये 6 साल से बैठे हुए हैं और मुद्दा उनका यही है EPS 95। और ये जो अभी बात कर, और ये जो अभी बता, और सुनो लड़ाई, आपका नाम बताइए। और ये सुनो सही यार, सुनो सुनो सही, और अभी बताता हूँ। अभी ये सरकार है, ये हमारे लोग हैं, लेकिन ये संघर्ष कर रहे हैं, बताता हूँ ना। और ये लोग, ये राहुल साहब हैं, ये हैं, ये लोग अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, इनसे हम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार काम नहीं कर पा रही है। संघर्ष सब लोग कर रहे हैं किंतु सरकार काम नहीं कर रही है। मैं इनका विरोधी नहीं हूँ, बताऊंगा। नरेश नाम है मेरा, नरेश, नरेश पूरा बताओ, पूरा नाम बताओ, अपना कौन है? नरेश नाम, नरेश। मैंने क्या कह दिया? मैं सर 8 साल से हारे आप, अरे तुम क्या कहा बात बोल रहे? आप हमें आप तो 8 साल हो रहे ना आपको, बोलो अपनी बात। रुक जाए, क्या हो, क्या समस्या हो गई? क्या समस्या आप कब से आप यहाँ ढूंढ रहे? 8 साल से चक्रा मार रहे हैं हम यहाँ। आप जो 1 रुपया नहीं बढ़ा हमारा अभी तक, नहीं बढ़ा। कितने मिलते हैं आपको पेंशन के जरिए से पैसे? 1300-1300-2000 मिलते हैं बस, महीने के, महीने के 2000। आप 2 महीने तुम घर के बताओ ना, क्या चलाएंगे तुम? दवा चलाएंगे क्या, किराना चलाएंगे क्या, घर चलाएंगे आप? हाँ। बताओ ना। आप कह रहे हैं आप 6 साल से प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, सरकार ने अभी तक कुछ नहीं करा है? 1 रुपया बढ़ाया अभी, 1 रुपया बढ़ाया, 1 रुपये नहीं बढ़ाया अभी, बढ़ाया नहीं, नहीं बढ़ाया, नहीं बढ़ाया।
नहीं। आज आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या लग रहा है कुछ होगा, समाधान मिल पाएगा? हजारों की तादाद में लोग आए हैं। और तुम कितनी ज्यादा दबाओ, तुम्हें किसी और से काम करता, तुम्हें किसी और से काम करता, तुम्हें किसी और से काम करता। अरे 50,000 रुपये भर ले होते, हमें 50,000 रुपये भर ले 50। और क्या पत्रकार ने विचार ला, ये पूरे मारने हमने जो कंट्रीब्यूशन दिया उसमें से हमको पेंशन बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, उसके ब्याज से मिलनी चाहिए। लेकिन ये तंत्र है ना, वो सभी सरकार को घुमा रही है। मैं गुजरात भावनगर से उकाभाई चौहान, खिमजी भाई यादव कन्वीनर, सह कन्वीनर, 60 साल से हमारा आंदोलन चल रहा है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें वचन दिया था कि ये कुछ होगा। लेकिन ईपीएफओ ने जो रकम हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो कहीं और शेयर में डाल दिया, इसीलिए हम लोगों को उसके ब्याज से जो पैसा देगा ना हमारा 7,500 प्लस महंगाई प्लस डीए, ऐसी इतनी मांग है हमारी। फिर भी ये लोग तंत्र है ईपीएफओ कमिश्नर, वो लोग सरकार को गुमराह करती है, पैसे कहाँ से देंगे, वो पैसे सब शेयर में लगा दिए, अब वो कहाँ से निकालेंगे। 1,000 रुपये आपको प्रतिमाह मिलता है, 1,900 का तो सिलेंडर ही आ जाता है, तो कैसे काम चल पाता है फिर? इसीलिए तो हमारी लड़त है, हम लोग बड़े बुजुर्ग हैं, कोई 60 साल 75 साल 80 साल तक के लोग बड़े बुजुर्ग रोड पर है। अभी ये सरकार बोलती है, हम उनको नमन करते हैं, फिर भी उनको लात मारने के सिवा कुछ नहीं करती। हम लोग रोड पर क्यों है? सरकार की वजह से है रोड पर। सरकार ने तो वादा किया, लेकिन ईपीओ एफओ कमिश्नर वो सचिव तंत्र है, वो गुमराह करती है मिनिस्टरों को और उन लोगों को, पैसे कहाँ से देगा, कौन से हेड से देगा, ऐसा बोले तो हमारी सरकार क्या है, करोड़ों रुपए पड़े वो तो नहीं देने का, ऐसा बोलेगा क्यों? वो लोग हेड की बात करेगा, कौन सा हेड से देगा? अरे भाई हमारा कंट्रीब्यूशन है, उनमें से उसके ब्याज से देना चाहिए, वो ब्याज से देंगे ना तो भी हमें 7,500 मिल सकता है प्लस डीए मिल सकता है। लेकिन वो लोगों को वो रकम है 75,000 करोड़, 75,000 करोड़ रुपये हमारे कंट्रीब्यूशन के जमा है, हमको भीख नहीं मांगते, हमारा हक मांगते हैं। इसीलिए हमारी लड़त ये जारी है और हम हमारी लड़त से हम लेके रहेंगे। आपके पास यहाँ पे ओपीएस को लेके पहले भी लोग आए थे, अब ईपीएस 95 को लेके यहाँ पे आए हैं, क्या लग रहा है सरकार कुछ कर पाएगी? नहीं, करना तो चाहिए। देखो मैं छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से आया हूँ, ये जो एक्ट बना है ये 1995 को बना है, उसमें क्लियर कट लिखा है, बोला है कि हर 5 साल को इसका रिवीजन होना चाहिए। हमारे कोई भी सरकार हो उनको एक ही निवेदन है, इसका रिवीजन अगर हो जाए तो आज हमको 7,500 रुपये जो पेंशन है वो मिल सकती है और उसको डीए मिलके कम से कम 15-16,000 रुपये मिल सकती है। लेकिन ध्यान नहीं दे रही कोई भी गवर्नमेंट जो है ना, वो सिर्फ आश्वासन दे रही, काम नहीं कर पा रही। तो हमारा निवेदन है
कि उन्होंने जल्दी से जल्दी काम करके बुजुर्ग लोगों को जितना सहारा देना चाहिए, 1500, 1300, 1500 में गुजरना होता नहीं है। तो हमारा ये निवेदन है, कोई भी सरकार आओ, हमसे उसे लेना देना नहीं, हम कोई पॉलिटिकल वाले नहीं है, हम एक पेंशनर लोग है। निवेदन हमारा इतना ही है कि पेंशन बढ़ जाए। यहाँ पहले ओपीएस को लेके लोग आए थे, ओपीएस की मांग हमेशा उठती रही है लेकिन अभी तक उनका कुछ समाधान नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप ईपीएस 95 को लेके आए हैं, तो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे कि सरकार पे दबाव बना पाएंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि दबाव, हम दबाव डालने के लिए नहीं आए, हम तो ये निवेदन करना चाहते हैं कि बुजुर्ग लोगों को थोड़ा तुम सम्मान दीजिए। सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वो सम्मान मिले तो वो पेंशन दे सकते हैं। हाँ, इतना ही कहना है हमारा, दबाव की बात ही नहीं है। जब हम निवेदन कर रहे हैं तो वो हिसाब से हमको उन्होंने पेंशन बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। हमारा जो पेमेंट है, हम जो डिस्ट्रीब्यूशन का किया है, उसके पैसे भी उधर, पेमेंट भी वहाँ जमा है, लेकिन एक्ट के हिसाब से, एक्ट ने मेंशन किया है क्लियर कर, हर 5 साल को उसमें रिवीजन हो जाए, वो रिवीजन नहीं हो रही। सरकार तो कह रही है हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं, 10 साल से वो सत्ता पर है, जनता ही तो चुन रही है उन्हें, फिर जनता क्यों चुन रही है जब सरकार काम ही नहीं कर रही है? तो नहीं, अभी वो काम कर रही है बोल रही है, ये इससे, ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इससे मेरे को लेना देना नहीं है। सरकार आ रही है, कैसे आ रही है, इससे कुछ हमको लेना नहीं। हम इतना निवेदन करेंगे, हमारा इतना डिमांड रहेगी कि पेंशन हमारे बढ़े। मैं भावनगर गुजरात से हूँ, मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। मेरा कहना यही है कि आपके घर में अगर बुजुर्ग है तो उसका ख्याल रखना किसका काम है? बच्चों का काम है कि नहीं है? तो हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं तो इसका ख्याल गवर्नमेंट नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? आज हर एक आदमी, चाहे वो ठेला वाला हो, रिक्शा वाला हो, कोई भी हो, सुबह से शाम तक टैक्स भरता है, सुबह से शाम तक टैक्स भरता है, चाहे वो दूध की थैली लेने जाए या कोई भी चीज़ लेने जाए, वो उसको टैक्स भरता है। जब हम लोग टैक्स भर रहे हैं तो वो लोग जब बूढ़े हो जाते हैं और कमाने के काबिल नहीं होते तो फिर वो लोग क्या करेंगे, खाएंगे कहाँ से? आप सोचो, 1000 रुपये में होता क्या है? कुछ नहीं होता, दूध नहीं आता महीने का, तो 2 आदमी का खर्चा वो कैसे उठाएंगे? ये बात सबको सोचनी चाहिए, भारत के हर नागरिक को, और गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, हम नहीं, कोई भी बुजुर्ग है तो अगर वो मजदूरी करता है तो वो भी जब एजेड हो जाता है तो उसकी देखरेख करना गवर्नमेंट का फर्ज है। आप MLA और MP का पेंशन अपने आप बढ़ा लेते हैं, 3-3 पेंशन लेते हैं और फैसिलिटीज मिलती है और इतना पेंशन मिलता है, तो उसका कम कर दो ना भैया, उसको एक ही पेंशन दो, बाकी को दो ना, सब मिल बांट कर खाएंगे। वही देखा आपने किस तरीके से इन लोगों ने हमें बताया कि बुजुर्गों को भी पेंशन दी जानी चाहिए, सिर्फ 1000 रुपये प्रतिमाह से कुछ नहीं होती, क्योंकि 900 का तो सिलेंडर ही आ जाता है, बाकी कैसे खर्चा चलाएंगे ये प्रतिमाह में। तो EPS 95 की मांग को लेकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हजारों की तादाद में लोग आए हैं। इससे पहले एक महाराष्ट्र से भी हमने एक शख्स से बात करी थी, वो कह रहे हैं कि उनका 6 साल से आंदोलन चल रहा है इसी चीज़ के ऊपर, लेकिन सरकार ने अभी तक 1 रुपया नहीं बढ़ाया है। अब सरकार सुन ही नहीं रही है, लेकिन सत्ता में वही सरकार है, इन्हीं लोगों ने चुना है, जनता ने ही चुना है, लेकिन सरकार अब काम नहीं कर रही है। अब देखते हैं सरकार कब तक सुनती है, इनके आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।